अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रोस्टेड मटन रान की रेसिपी। इसे हमने अच्छे से वॉश करके डीप कट्स लगा लिए थे, उसके बाद हमने इसे मैरिनेट किया था। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ। मैरिनेशन के लिए पहले मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर डाला, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक, 2 टीस्पून क्रश्ड पेपर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और 2 नींबू के रस डाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से मैरिनेशन करने के बाद हमने इसे तकरीबन 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख लिया था। 3 घंटा इसे मैरिनेट होने देना है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने एक बटर पेपर लिया, बटर पेपर की शीट लिए और उसमें इसको रैप कर दिया अच्छे से। बटर पेपर से रैप करने से क्या होगा, इसके जो जूसेस, जब आप इसे ओवन में बेक करोगे, जूसेस सारे अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। बटर पेपर से प्रॉपर रैप करने के बाद इसे अब हम फॉइल पेपर से रैप करेंगे। तो बटर पेपर से रैप हो गया है, अब हम फॉइल पेपर की भी सेम प्रोसेस करेंगे। शीट ले लेंगे बड़ा सा और इसे अच्छे से रैप कर देंगे, कवर कर देंगे, कहीं से भी खुला नहीं रखना है। आपको 2 शीट लग रही है फॉइल पेपर की तो चलेगा, लेकिन आपको रान को जो है पूरी तरह से पैक करना है ताकि जूसेस जो सारे हैं जब बेक होंगे तो अंदर ही रह जाएंगे, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। इस तरीके से आपको उसको अच्छे से रैप करना है चारों तरफ से। अगर शीट कम लग रही है तो आप और शीट लेके इसे रैप कीजिए 2 तरफ से, ताकि प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से हमारा रान जो है बक मटन का वो अच्छे से बेक हो जाए, रोस्ट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे पूरी तरह से रैप करना है प्रॉपर, कहीं से भी थोड़ा सा भी खुला नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से रैप करें, अच्छे से पूरा फोल्ड करके टाइट रैप करना है आपको इसे, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसके बाद हमने ओवन में, हमारे ओवन में 180 डिग्री पे 2 घंटे तक के इसे रोस्ट किया है अच्छे से। प्रॉपर तरीके से रोस्ट हो जाता है, 3 घंटा मैरिनेशन, 2 घंटा रोस्ट के लिए 180 डिग्री पे आपको इसे रोस्ट करना है। बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छे से मटन गल जाएगा, आगे मैं आपको इसका लुक बताऊंगी। तो देखिए 2 घंटा हो चुका है, ओवन को हमने कर लिया है बंद। अब हम इस ट्रे को बाहर निकालेंगे, बहुत आराम से आपको निकालना क्योंकि ट्रे बहुत गर्म रहता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे ही आप 2 घंटे के बाद ओवन से इसे निकालोगे तो आपको डायरेक्टली इसे नहीं ओपन करना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए आपको इसे रेस्ट करने देना है। आधे घंटे के बाद आप ये फॉइल और ये रैप पूरा खोलना, और खोलने के बाद आप देखना, अभी इसमें मैं आपको लुक दिखाती हूँ। देखिए गोश्त बिल्कुल पूरी तरह से गल चुके हैं, हड्डियों से अलग हुए हैं और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बने हैं। आपको बहुत आराम से इसे ओपन करना है। देखिए ज़रा सी भी आप ट्रे में देख रहे हो, कहीं से भी जूसेस बाहर नहीं आए हैं, जूसेस में अंदर ही अंदर वो जूसेस में रान अच्छे से पक चुकी है, प्रॉपर तरीके से गल चुका है वो। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। देखिए इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, देखिए हड्डियों से अलग हो चुका है गोश्त। ये देखिए बिल्कुल नरम सॉफ्ट गोश्त बने हैं, जूसेस अंदर ही अंदर जूसेस है उसमें और अच्छे से फ्लेवरफुल बन चुका है। देखिए कितने अच्छे से गल गया है आराम से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा रोस्टेड मटन रान बनके तैयार हो चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही यम्मी बना था, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली को बना के खिलाइएगा।